श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल नागपंचमी है, ऐसे में गुरुदेव के सरल चार उपाय आप सभी के साथ बताना चाहूँगी। आप अपनी क्षमता के अनुसार और साथ में घर परिवार में जो चीज़ें उपलब्ध हो उनके अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहला सरल उपाय है, गुरुदेव कहते हैं कोई अधोगति में गया हो, जो कहने का अर्थ है कोई पेट में जिस तरह से मृत्यु हो जाती है या आने के बाद जो है एक्सीडेंट या किसी कारणवश इस तरह से अपने पितरों के लिए कल के दिन आवश्यक रूप से कार्य करें। इससे जो है पितृ प्रेत योनि से मुक्त होंगे, सर्प योनि उनको नहीं मिलती है। तो घर का परिवार का एक भी सदस्य यह कार्य आवश्यक रूप से करे। जैसे गुरुदेव बताते हैं सावन माह में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है, दो कंधों पर जो है कावड़ लाया जाता है, परंतु यह न करते हुए कावड़ का भाव करते हुए, कावड़ यात्रा कावड़ जल का भाव करते हुए अपने दोनों हाथों में जल का लोटा लेकर जाएं और भगवान शिव के ऊपर जो कमंडल लगा हुआ होता है उसके ऊपर जो है आप कावड़ का भाव करते हुए समर्पित कर दें। इससे बहुत फायदा होगा, आपके पितरों की जो है तृप्ति हो जाएगी। पहला उपाय ये है, इसे जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय ये है कि नागपंचमी के दिन समी पत्र आपके आसपास मिल जाए या खरीद के भी ला सकते हैं। समी पत्र जो है आस्तिक मुनि का नाम लेकर उसे जो है भगवान शिव को अर्पित करने के बाद अपने घर पर ले आए और उसके बाद जो है उसे घर के किसी भी साइड में रख दे। कोई ऐसा नहीं बताया गुरुजी ने कि कहाँ रखना है, घर के किसी साइड में भी रख दे। आप इसे बांध कर टांग भी सकते हैं किसी भी घर के कोने में, तो घर इससे जो है सांप इत्यादि कभी भी घर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात के दिन है, आपके गार्डन इत्यादि में भी गुरुदेव बताते हैं आंगन इत्यादि में भी कभी प्रवेश नहीं करेंगे। सुख समृद्धि भी इससे निरंतर बनी रहेगी। तो यह भगवान शिव पर चढ़े हुए जो है आप सभी को समी पत्र लाना है और इन्हें चढ़ाकर घर पर लगा लेना है, आस्तिक मुनि का नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो गुरुजी उपाय बताते हैं वह है नागेश्वर महादेव का नाम आप सभी को किसी भी पत्ती में लिखकर आप सभी को जो है भगवान शिव को समर्पित करना है। आप चाहें तो बेलपत्र में लिख सकते हैं, नागेश्वर महादेव का नाम लिखकर आप सभी को भगवान शिव को समर्पित करना है। इससे जो है रात्रि में आने वाले बुरे स्वप्न इत्यादि में सांप दिखते हैं या कोई सफ़ेद कपड़ों में इस तरह से कहने का अर्थ है अला बला इत्यादि दूर होती है। बस नाम को ध्यान में रखते हुए यह कार्य कीजिएगा। किसी भी पत्ते में लिख सकते हैं नागेश्वर महादेव। यह छोटे छोटे से सरल उपाय गुरुदेव ने हम सभी को बताए हैं। आप इन नागपंचमी में आवश्यक रूप से इनमें से कोई सरल उपाय जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके क्षेत्र में अलग तरह से पूजा करते हैं, वह भी कीजिएगा और साथ ही दीपक इत्यादि भी जरूर लगाइएगा। क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग की जाती है पूजा, तो आवश्यक रूप से कल के दिन गुरुदेव द्वारा बताया गया एक सरल उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में नाग देवता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। वीडियो आपके लिए मदद गा रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय माता दी।